हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेनम 2 के लीक्स एंड प्लॉट डिटेल्स के बारे में। अब जो हमारे सामने नई नई डिटेल्स आई हैं, मैंने सोचा उन सबको कलेक्ट करके एक छोटी सी वीडियो बना दूं आपके लिए, ताकि आप अपडेटेड रहें। तो आज हम बात करेंगे लीक्स की, साथ ही साथ प्लॉट पॉइंट्स की और स्टोरी के बारे में। तो हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम अगेन एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इस प्लॉट लीक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर स्पॉयलर्स हैं, तो मैं नहीं चाहता आपकी मूवी खराब हो और ऑब्वियसली आप भी नहीं चाहते आपकी मूवी खराब हो। मैं फुल ब्लोन स्पॉयलर देने वाला हूं, पूरी की पूरी कहानी बताने वाला हूं, तो मजा ना खराब हो जाए। इसलिए आप अगर नहीं देखना चाहते कोई भी स्पॉयलर तो ये वीडियो मत देखना, लेकिन अब मैं बोलने वाला हूं तो वार्निंग मैंने आपको दे दी है और अब शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है सैन क्विटल प्रिजन से, जहां पर हमने लास्ट टाइम जो है कार्नेज को देखा था और एडी ने इंटरव्यू लिया था पोस्ट क्रेडिट सीन में उस मूवी के। यहां पर हम देखते हैं कि किसी तरह से एक पावर सर्ज होती है, जो माइकल मॉर्बियस है, यानी मॉर्बियस का प्लॉट भी मैं इसके अंदर जोड़ रहा हूँ और डेफिनेटली ये दोनों मूवी यहाँ से कनेक्ट होती हुई हमें देखने को मिलने वाली है। जो माइकल मॉर्बियस है उसने एक पावर मैल फंक्शन कर दिया है पूरे के पूरे जेल में और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही माइकल मॉर्बियस वहाँ से भाग निकलता है, उसके बाद उसके पीछे सारे के सारे जो कैदी हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें तो कुछ कैदी ऐसे हैं जो कि हमें पता है कि कौन कौन है, जैसे कि वल्चर भी भाग निकलता है, साथ ही साथ उसका फ़ायदा उठा के स्कॉर्पियन भी वहाँ से भाग जाता है। उसके साथ हमें क्लीटस कैसिडी यानी कि हमारा कार्नेज भी भाग जाता है वो देखने को मिलता है, और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो जाता है जिसका नाम है श्रीक। तो माइकल मॉर्बियस जब पूरे के पूरे प्रिजन के अंदर पावर कट कर देता है, तो ये सारे के सारे विलन जो कि स्पाइडरमैन के विलन भी हैं और सारी की सारी मूवी एक दूसरे से कनेक्ट होती हुई हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये सारे लोग भाग जाते हैं। उसके बाद हमें गली के अंदर जब हमें एक सीन दिखाया जाता है जो कि मॉर्बियस के ट्रेलर में भी था, जब वल्चर मॉर्बियस को कहता है व्हाट्सअप डॉग, उस वक्त वो उसको कहेगा कि मैं एक टीम बना रहा हूँ स्पाइडरमैन को मारने के लिए। ये सीन एक्चुअली में हमें मॉर्बियस की मूवी में दिखाया जाएगा, वेनम के अंदर नहीं दिखाया जाएगा, वेनम 2 के अंदर। तो ध्यान रखना कि ये सीन और वेनम 2 इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। तो सारी की सारी मूवी अगर हम बात करें, स्पाइडरमैन होमकमिंग, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, मॉर्बियस और वेनम 2, ये सारी मूवी कनेक्टेड हैं, तो आप याद रखना, फ्यूचर में काम आएगा। अब जेल से बाहर निकलने के बाद में क्लीटस जो है वो टोटली पागल तो है ही, ऑब्वियसली आपको पता ही है, और वेनम के पोस्ट क्रेडिट सीन में उसने बोला ही था एडी को, जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा दैट्स गोना बी कार्नेज, और वो भी अपने खून से वो उसका नाम लिख रहा था। तो आप देख सकते हैं वो कितना पागल है, दिमाग उसका बिल्कुल हिला हुआ है। तो जैसे ही वो जेल से भाग जाता है तो वो सारे के सारे मर्डर्स करने लग जाता है, ये बात पता चल जाती है एडी को, और एडी कहता है कि अब मुझे इसको पकड़ना है, क्योंकि वो एक तरह से एंटी हीरो का काम कर रहा है। तो वो ये सोचता है कि अगर जो क्लीटस कैसिडी है वो बाहर घूमता रहेगा तो मासूम लोगों की जान जाती रहेगी, इसलिए मुझे इसको पकड़ना पड़ेगा। अब किसी तरह से क्लीटस कैसिडी को मिल जाता है कार्नेज सिम्बियोट। कार्नेज सिम्बियोट मिलने के बाद में कार्नेज उसके अंदर की जो हेट और जो ताकत होती है वो उसको 100 गुना बढ़ा देता है, और क्लीटस कैसिडी फाइनली अपने कार्नेज के रूप में आकर लोगों का मर्डर करना शुरू कर देता है। वो ऐसा क्यों करता है, उसको दिमाग में, उसके ब्रेन में एक गॉड की आवाज़ आती है, उसको ऐसा फील होता है कि मुझसे कोई बात कर रहा है और वो गॉड है। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ध्यान रखना गाइज, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको वो आवाज़ किसकी आ रही है, क्योंकि इससे ही हमें वेनम का थर्ड पार्ट देखने को मिलेगा। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। अब वेनम जो है वो ढूंढने लगता है कार्नेज को, और कार्नेज जो है वो ढूंढने लगता है लोगों को मारने के लिए, और जल्दी जल्दी उसकी बैक स्टोरी भी हमें दिखाई जाती है, किस तरह से जो कार्नेज है यानी कि हमारा क्लीटस कैसिडी, उसका बचपन बहुत ही बुरा था, उसने अपनी माँ को, अपनी दादी को मारने की कोशिश की, साथ ही जब एक लड़की ने उसको मना कर दिया था प्रपोजल के लिए, तब उसने उस लड़की को ही धक्का दे दिया था बस के आगे, और अपना जो ऑर्फनेज था जहाँ पे वो रहता था उसको भी जला दिया था। तो हमें उसका बैक स्टोरी दिखाया जाता है ताकि आप सिंपथाइज कर पाओ हमारे विलन के साथ में, लेकिन सिंपथी देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लीटस कैसिडी एक्चुअली में एक सीरियल किलर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे के सारे इवेंट होने के बाद में हमें छोटे छोटे सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर जो क्लीटस कैसिडी है वो लोगों को मार रहा है और वेनम उसको पकड़ लेता है, और छोटी मोटी फाइट हमें देखने को मिलती है। मूवी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन मॉर्बियस और वल्चर और इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलती। जो मेन कहानी है वो फोकस्ड रहती है हमारी वेनम पे और कार्नेज पे। अब अगर हम बात करें कार्नेज के ब्रेन में कौन सी आवाज़ आ रही है, एक्चुअली ये आवाज़ आ रही होती है हमारे गॉड नल की, जो कि सिम्बियोट्स का गॉड है। नल उसको बोलता रहता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सारे के सारे लोगों को मारना है, क्योंकि ये जो दुनिया है हम एक नई बसाना चाहते हैं, और जितने भी सिम्बियोट्स हैं मेरे पास, और आपको पता ही है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर वेनम के अंदर हमने देखा था कि एक प्लैनेट होता है जहाँ से सारे के सारे सिम्बियोट्स आते हैं, तो नल जो होता है गॉड वो उसी प्लैनेट का है, और वो बोलता है कि अर्थ को भी हम उसी तरह से बनाएंगे और सारे के सारे सिम्बियोट्स को मैं इस प्लैनेट पर भेजूंगा ताकि हम सबको मार सकें। अब ये बात जैसे ही क्लीटस कैसिडी के मन में आती है तो वो सारे के सारे लोगों को मारने की कोशिश करता है और अपने भगवान के लिए जो उनके प्लान्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ जो श्रीक है, श्रीक भी थोड़ी सी पागल है, उसकी गर्लफ्रेंड है, और वो भी लोगों को मर्डर करने लगती है, और हमें दोनों की कहानी देखने को मिलती है। मूवी का एंड होते होते हमें एक फाइट देखने को मिलती है हमारे वेनम के अंदर और कार्नेज के अंदर, लेकिन यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। जैसे हम देख सकते हैं कि वेनम बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कार्नेज को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो कार्नेज है वो फुल ब्लोन मोड में तो आ जाता है, लेकिन वेनम उसको मारने की कोशिश नहीं करता। वेनम सीधा क्या करता है,
वो ये देखता है कि हमें कार्नेज को अलग नहीं करना, वो सीधा क्लीडस कैसिडी पे ही हमला करता है। तो यहाँ पर एकदम से आता है कौन, स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड का कैरेक्टर। अब ऑब्वियसली ये जो लीक है ये बहुत ही अमेजिंग है गाइस, और अगर सच में ये होता है तो मैं तो मज़ा आ जाएगा सच में। आप पूरी की स्टोरी ध्यान सुनना। तो जैसे ही टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन वहाँ पर आता है तब हम देख सकते हैं कि वेनम जो है वो कार्नेज को मार रहा है, लेकिन जो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है वो उसको रोक देता है और वो उसको बोलता है कि तुम्हें उसको मारने कोई हक नहीं है क्योंकि तुम एक क्रिमिनल बन जाओगे अगर तुम उसको मारोगे, तो तुम इसको सिर्फ और सिर्फ पुलिस के हवाले कर दो, बाकी पुलिस देख लेगी। तो वेनम उसको कहता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम कि इस आदमी ने कितने लोगों को मारा है और तुम्हें तो पता भी नहीं है, तुम तो छोटे से बच्चे से हो। तो उस वक्त स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ मैं बच्चा हूँ लेकिन मैं एक अवेंजर हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें इसको छोड़ना पड़ेगा। और वहाँ से यह मेरा वेनम का और जो स्पाइडरमैन का फ्यूड है यानी इन दोनों की लड़ाई है वो चालू होती हुई दिख जाएगी, जो कि सेकंड पार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टीज की गई है। यानी टॉम हॉलैंड का सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा कैमियो होगा, उसके बाद टॉम हॉलैंड चला जाएगा यानी स्पाइडरमैन चला जाएगा और वो जो है आगे की कहानी के अंदर बढ़ जाएगा। मूवी का एंड होते होते हमें दिखाया जाता है जो गॉड है वो यानी नल जो सिम्बियोट्स का गॉड है वो हमें दिखाया जाता है और ये दिखाया जाएगा हमें पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर। अब आपको पता है कि इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है एंडी सर्कस, और एंडी सर्कस जाने जाते हैं अपनी अमेजिंग एक्टिंग और मोशन कैप्चर के लिए। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारी फिल्मों के अंदर मोशन कैप्चर की है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी उन्होंने काम किया है एज यूलिसिस क्लॉ, जो कि आपने एज ऑफ अल्ट्रॉन में या फिर ब्लैक पैंथर में देखे ही होंगे। तो इन मूवी के बाद में आप देख सकते हैं कि सारी की सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो थर्ड पार्ट का टीज हमें दिखाया जाता है और के जो नल है वो आने वाला है और वेनम 3 के अंदर जो विलन होगा वो नल होगा और नल को प्ले करने वाले कैरेक्टर हैं एंडी सर्कस। अब कार्नेज का क्या हुआ ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये ज़्यादा स्पॉइलर हो जाएगा, तो मूवी का आपको वेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ थर्ड पार्ट के अंदर क्या होने वाला है मैंने आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दी है कि नल आएगा, उसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला, बट आप यकीन मानोगे ये सारे का सारा जो प्लॉट है ये बहुत ही अमेजिंग है। अब इस प्लॉट लीक के अंदर कितनी सच्चाई है या कितना रियल है ये अभी कहना इम्पॉसिबल है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप सारे की सारी कड़ियों को जोड़ के देखें और सारे ट्रेलर और मूवी फुटेज को जोड़ के देखें तो बहुत ज़्यादा सेंस बनता है। मतलब हो सकता है कि मूवी के अंदर हमें यही देखने को मिले, अगर यही देखने को मिला तो आप मज़े ही आ जाएगा और मेरी एक और प्रेडिक्शन सच हो जाएगी। तब तक के लिए ये था वेनम का प्लॉट और मैं आपको आगे नहीं बताने वाला क्योंकि आगे तो फुल ब्लड स्पॉइलर होने वाले हैं, बट कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो गाइस आपकी वेनम 2 से क्या उम्मीदें हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल भी मत बोलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव अ लाइक और अच्छी नहीं लगी हो तो गिव अ डिसलाइक। साथ ही साथ अगर खुद के कोई सजेशन है या फिर कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।